अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे पास एक लैपटॉप है, ग्राफिक में है, E6440। उसकी GPU प्रॉब्लम है, डायग्नोस की है, पहले रीफ्लो भी किया है, बायस भी की है, मगर प्रॉब्लम उसकी सॉल्व नहीं हुई। आज मैं आपको अपनी हीट गन से इंशाल्लाह उसकी GPU चेंज करके दिखाऊंगा। आए देखें, ये देखें, ये डायग्नोस किया है, इसका नो डिस्प्ले है, तो इसको मैं डिस्प्ले में कैसे लाऊंगा और ये इसकी GPU को कैसे चेंज करेंगे हम, ये भी आपके सामने इंशाल्लाह इसको चेंज करेंगे। अभी ये जुड़ी हुई है, फिर ना कहना। अच्छा जी, इसको हम करते हैं चेंज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अपनी वो भी फोड़ गन के साथ इंशाल्लाह। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसके साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेसर भी लगाए हैं, 4th generation 6th generation तक प्रोसेसर पे अपनी होटगन से लगा लेता हूँ, और ये एक्सपीरियंस होता है, आप भी लगा सकते हैं। देखिए, हमने आपके सामने इसकी GPU को उतारा है और मैं थोड़ा सा वेट करूँगा ताकि इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँ, और जब तक ये ठंडा होता है, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर लो है, तो फिर इसको मैं इसकी सफाई करता हूँ। और ये मेरे पास एक बिल्कुल रेडी है, मैंने रीबॉल करके रखी हुई है, ये अब इसको करते हैं क्लीन। आपको दिखाते हैं क्लीन करते हैं कैसे। ये देखिए, ये हमने बिल्कुल इसको ना बिल्कुल क्लीन करना है, बिल्कुल क्लीन। यहाँ से रह गए इसको भी,
अभी बिल्कुल प्लेन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके ऊपर मैं लगाता हूँ GPU। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हुई। और अभी इसकी मैं डायरेक्शन देखूँगा, ये ख़राब थी हमने उतारी थी, और ये हमारी तैयार है। और इसके ऊपर थोड़ी स्पेस लगानी है हमें। लगाने के बाद इसकी डायरेक्शन देखेंगे। और इसकी डायरेक्शन के बाद हमने फिर इसको देनी है हीट। ये हमारा लगाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये तकरीबन हमारी चिप लग चुकी है। मैंने हिलाया उसको थोड़ा, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। और सबसे पहले मैंने इसको रीबॉल किया और पुराने मदरबोर्ड से उतारा। उसका GPU का प्रॉब्लम नहीं था, वो डेड था, उससे हमने उतारी है उसकी GPU। फिर हमने उसको रीबॉल किया, और रीबॉल मैं पहले कर चुका था, तो मैंने कहा चले आपको दिखाते हैं कि हम कैसे GPU भी लगाते हैं। तो अभी रीबॉल करने के बाद हमने पोर्ट गन के साथ अपनी उसके साथ हमने रिप्लेस किया। तो अभी उतारा भी और लगाया भी। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, जब ठंडा होता है तो इंशाल्लाह उसका डिस्प्ले भी लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये काफ़ी गर्म है, इसको देते हैं तकरीबन 50-60 सेकेंड, उसके बाद इसको इंशाल्लाह डिस्प्ले चेक करते हैं। और उतनी देर मेरे ख्याल से मैं बायस कर लेनी चाहिए, उतनी देर मैं इसकी बायस कर लूँ। ये पहले हुई नहीं है तो कंफर्म बायस कर लें ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। उतनी देर ये मदरबोर्ड हमारा ठंडा भी हो जाएगा और हम डिस्प्ले भी चेक कर पाएंगे। अभी जैसे ये बायस होती है उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको डिस्प्ले भी चेक करेंगे। तब तक इसका मैं CPU लगाता हूँ। इंशाल्लाह अभी ये हो गई।
डायग्नोज। पीसी बायोस 4 MB, राइट। तो भी एक लगाता हूँ, इतनी देर वो हो जाएगी इंशाल्लाह। देखें भी लग गई है, करते हैं हम डिस्प्ले चेक। अभी मुझे इसका चाहिए डीसी जैक, वो भी देखते हैं। इधर बड़ा मदरबोर्ड ऑन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको मैं लगाता हूँ अभी इसका चेक और देखते हैं इसका डिस्प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी ऑन हो चुका है और ये पहला रीसेट, ये रिस्टार्ट हुआ। अभी ये दूसरी बार होगा और ये एक बार और होगा और डिस्प्ले इंशाल्लाह आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्प्ले आ चुका है। अगर इसकी जीपीयू हम ये उतार देंगे तो ये डिस्प्ले नहीं आएगा। तो ये हमारी 100% ओके थी और ये फॉल्टी थी, इस पर डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो आपने देखा कि मैंने इसको कैसे रिप्लेस किया। ये बिल्कुल आसान है, आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।